आप जो ये सुंदर सी डिश देख रहे हैं वो है सुपर यम्मी, वेरी सिंपल, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, अ केक विद फुल ऑफ गुडनेस ऑफ फ्रूट्स, लो कैलोरीज, हाई इन टेस्ट, अ ट्रीट टू आई। जितने भी एडजेक्टिव्स के यूज़ किए जाएं वो कम है और बहुत ही इजी तरीका है इसको बनाने का और उतनी ही हेल्दी डिश है। यह है हमारा आज का फ्रूट जेली केक। ये केक है पर फुल ऑफ हेल्थ है। कितने सारे फ्रूट्स और कितने सारे लेयर्स आपको दिखाई दे रही होंगी पर इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायल्स पैशन। आपका अपने हेल्दी फूड चैनल में स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ब्यूटीफुल सा हेल्दी केक बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, इसमें मैं एक गिलास पानी डाल रही हूँ और फिर उसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है। शुगर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ली है, साथ ही मैं 1 टीस्पून अगर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर हम कोई जिलेटिन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल वेजिटेरियन होता है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी यहाँ पर मैंने गैस ऑन नहीं की है, अब मैं थोड़ा मिक्स करके इन्हें 1 मिनट अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ। इन्हें अच्छे से मिक्स करके मैंने मीडियम गैस ऑन कर दी है और इसे अच्छे से चलाना है, कंटिन्यूस चलाते रहना है। देखिए मुझे चलाते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं, ये थिक होने लगा है। बस ये ध्यान रखना है कि ये आपको कंटिन्यूस चलाना है, अदरवाइज इसमें लम्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ये हम अपने केक की बेस लेयर रेडी कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट रेडी है। बस इसी स्टेज पर हम अपनी गैस को ऑफ कर देंगे। ये मैंने प्रोसेस मीडियम फ्लेम पर की है। सबसे पहले केक के ऊपर की लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बाउल लिया है और मैंने कलरफुल फ्रूट्स लिए हैं। कोशिश करें कलरफुल फ्रूट्स का ही यूज़ करें, आपके पास जो भी हो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करें। मैंने यहाँ पर कीवी, ड्रैगन फ्रूट और एप्पल ले लिया है, साथ ही मैंने कुछ अनार के दाने डाल दिए हैं। ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। अब अपना जो हमने ये रेडी किया था मिक्सचर, इसको धीरे धीरे चारों तरफ से हम डाल देंगे। ये गरम गरम ही पोर करना होता है, अदरवाइज ये जम जाएगा। तो एक और लेयर फ्रूट्स की लगा देते हैं क्योंकि जितने फ्रूट्स दिखेंगे और होंगे इसमें उतने टेस्टी भी लगेंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। तो अभी मैंने सेकंड लेयर इस पर लगा दी है फ्रूट्स की और जो हमारा बचा हुआ मिक्सचर है उसको इसमें पोर कर देंगे हम। देखिए बनाना बहुत ईजी है, बस स्टेप्स आप थोड़ा ध्यान से फॉलो करें क्योंकि ये बहुत जल्दी जमने लगता है। तो इसलिए आप पहले सब चीज़ें रेडी रखें, बॉल वगैरह अपना और फ्रूट्स कट करके, और इसमें बस आपको सेट करना है, चारों तरफ से इसको सेट कर लीजिए और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब केक की सेकंड लेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बाउल कोकोनट मिल्क लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो मार्केट का कोकोनट मिल्क भी ले सकते हैं, बहुत ईजिली मिल जाता है मार्केट में। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून अगर पाउडर मिला रही हूँ। इनको अच्छे से मिक्स करके ही आप गैस ऑन करें, अदरवाइज लम्स पड़ने का डर रहता है। हालांकि यहाँ पर हम केक बना रहे हैं पर इसमें कोई बेकिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली हम गैस पर बना पाते हैं, साथ ही ये बहुत हेल्दी भी है। वैसे हम केक जो खाते हैं वो हेल्दी नहीं होते हैं, बहुत फैट होता है उनमें, पर यहाँ पर हम शुगर का भी मिनिमम यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ बेकिंग की भी ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए। और जितने फ्रूट्स हम मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं हम कर रहे हैं। देखिए अब हमारा ये बेस भी रेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट थिक हो चुका है। इसी स्टेज पर यहाँ पर हम गैस को ऑफ कर देंगे। आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पर इसे कंटिन्यूस चलाया है। अब हमारी ये लेयर भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस इसको हमें पोर करना है। जो हमने अपना बेस फ्रिज में रखा था उसे निकाल लिया है, वो पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। अब उसके ऊपर हमें इसे धीरे धीरे पोर कर देना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपस में मिक्स ना हो, सिर्फ नीचे की लेयर फिक्स होनी ज़रूरी है। अब हमारे केक की नेक्स्ट लेयर के लिए यहाँ पर 1 बाउल अमरूद ले रहे हैं, उसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, साथ ही मिक्सर में डाल रहे हैं इनको। अभी इनको हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे, एक प्यूरी बनानी है बेसिकली, और उसमें ही हम साथ में 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर शुगर भी ऐड कर दी है ताकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसका हमें प्यूरी ऐड बनाना है। अब देखिए कितनी अच्छी प्यूरी हमारी बन गई है, पर इसमें छोटे छोटे से चंक्स रह जाते हैं, इसके लिए हमें इसे छानना ज़रूरी है। इसको हम अच्छे से छान लेंगे, पूरा बैटर लेंगे, थोड़ा सा पानी भी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसे पीसते हैं तो ये ठीक हो जाता है। इसको थोड़ा पतला करने के लिए यहाँ पर हमने पानी ऐड किया है।
अब पैन में ऐसे इसको हम डाल लेते हैं और फिर इसमें अगर अगर पाउडर मिलाकर ही हम गैस ऑन करेंगे, थोड़ा सा चला के, ताकि इसमें लम्स पड़ने की कोई गुंजाइश ना रहे। देखिए कितनी प्यारी प्यूरी हमारी बनी है इसकी, कितना नेचुरल कलर इसमें ग्रीन कलर आया है। इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है, फिर भी कितना सुंदर ग्रीन कलर आया है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम अगर अगर पाउडर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक टीस्पून ही अगर अगर पाउडर मिलाया है, थोड़ा सा मैंने और डाल लिया था, पूरा फुल 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पर ही 3-4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाना है। हमने अपने बाउल को इस बीच फ्रिज में ही रख रखा है, वो 10 मिनट में सेट हो चुका है। सेट होने के बाद ही आप नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर डालें, अदरवाइज़ ये आपस में मिक्स हो जाएंगी, वो लेयर अलग से दिखाई नहीं देगी। अब नेक्स्ट लेयर के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल पपाया कट करके ले लिया है। इसे भी हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे और साथ ही इसमें हम 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। आप शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके भी हमें फाइन प्यूरी बनानी है, थोड़ा छोटे टुकड़े काट कर डालेंगे पपाया के, तो वो ईजिली प्यूरी बन पाएगी। देखिए हमारा पिस चुका है, कितनी अच्छी शानदार प्यूरी बनी है और कितना प्यारा कलर इसका आया है। कोई इसमें हमने आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया है, ये पपाया का अपना ही कलर है। इसको भी हम छान रहे हैं ताकि जो छोटे छोटे चंक्स इसमें रह जाते हैं, टुकड़े रह जाते हैं, उनको हम निकाल पाएँ। अब इसको हम फ्राई पैन में ऐसे ही ऐड करेंगे जैसे पहले हम अपनी लेयर रेडी की हैं, उसी तरीके से इसको भी रेडी करना है। थोड़ा थिक लग रहा है इसमें, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे नेचुरल फ्रूट्स का ही यूज़ करने की कोशिश की है। आप इसकी जगह जो मार्केट के क्रश आते हैं, फ्रूट क्रश आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम अगर अगर पाउडर मिला रहे हैं, ये भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। उसको कंटिन्यूस अच्छे से चलाएं जिससे कि कोई लम्स ना आए। मुझे प्रैक्टिस है तो इसलिए मैंने गैस पर ही चलाते हुए उसमें मिक्स कर लिया है, पर अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो उसको गैस पर रखने से पहले ही अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई लम्स आने की गुंजाइश ना रहे। अब ये भी लेयर रेडी हो चुकी है, नीचे का बेस हमारा सेट हो चुका है। उसके ऊपर इसको हम धीरे धीरे पोर कर देंगे जिससे कि आपस में मिक्स ना हो। कितना सुंदर कलर लग रहा है, कोई कह ही नहीं सकता कि इसमें कलर नहीं मिक्स किया है। ये पपाया का अपना नेचुरल कलर है। आप लीची क्रश होता है, मैंगो क्रश है, उन सब का भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर अगर पाउडर ही आपको मिक्स करना होगा। अब ये थोड़ी देर हमने सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, हम निकाल लिया है। चारों तरफ से हमने थोड़ा सा इसे टूथपिक की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से हमने अलग अलग किया है और अब इसको हम अनमोल्ड कर रहे हैं। देखिए इस तरह से प्लेट रखकर हमने इसको अब इसको जेंटली अनमोल्ड कर लेते हैं चारों तरफ से टैप करते हुए ताकि ईजिली निकल पाए। आपके पास कोई केक मोल्ड है तो आप उसका भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं इस तरह का कोई बाउल हो। कोई भी आपके पास बाउल है या मोल्ड है आप उसका यूज़ करके बना सकते हैं। वाओ कितना कलरफुल हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, देखने से ही कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि इसमें कंट्रास्ट कलर के फ्रूट्स पड़े हुए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स हो आप उनका यूज़ करें, पर थोड़ा इस तरह से देख कर करें कि वो थोड़ा देखने में सुंदर लगे और कलरफुल लगे। और कितना इजीली क्लीन निकला है बिल्कुल। देखिए आपको मैं कट करके दिखा रही हूँ, कितना सुंदर और कितना प्यारा अलग अलग लेयर इसकी सामने दिख रही होगी आपको। ज़रूरी नहीं है आप इतनी सारी लेयर का बनाएं, आप जो ऊपर की सिंपल लेयर है उसका भी बनाकर देख सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाएगा। देखिए इस तरीके से कितनी अलग अलग लेयर इसमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। इसकी को परफेक्टली बनाने के लिए सिर्फ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट कि आप जब अगर अगर ऐड करते हैं तो बिना गैस के ही ऐड करें, बाद में गैस पर रखें और उसे कंटिन्यूस चलाएं। और दूसरा, जब आप अपनी नेक्स्ट लेयर रेडी करें उससे पहले आपकी फर्स्ट लेयर रेडी सेट हो जानी ज़रूरी है, तभी उसके ऊपर उसे पोर करें, अदरवाइज दोनों मिक्स हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ये केक कैसा बना और आपको ये कैसा लगा। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड अप्रिसिएशन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।